आप जो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, तो आप ये बताइए, आपकी बहन की बहन ने भी शायद मुस्लिम से शादी करी हुई है, तो जब आप अपने घर में कराए तो वो अच्छा, और कोई बाहर करे तो वो लव जिहाद। ये आप वही 2000 का नोट बंद हो रहा है, उसमें एक चिप लगी हुई थी, एक मैडम बोलती थी चिप है चिप है चिप है, नैनो चिप है, पता लगेगा, तो वो एकदम से कहाँ चले गई वो चिप? वो मैम आके अब पूछे ना कि वो चिप कहाँ चली गई, क्यों फिस हो गई, क्या चिप में पानी वानी चला गया, क्या हो गया? और तरीके से कर्नाटक की जनता जागरूक हुई, कर्नाटक की जनता को समझ में आ गया कि हिंदू मुसलमान से हमारा पेट नहीं भरने वाला भाई, हमारा पेट भरने वाला है अच्छी नौकरी, अच्छी पढ़ाई, अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ सिस्टम और सुकून की लाइफ से। बागेश्वर धाम वाले बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अलग अलग राज्यों का भ्रमण कर रहे हैं, शुरुआत बिहार से होगी। अच्छा, बागेश्वर धाम जी को अपनी बहन के बारे में भी कुछ बोलना चाहिए कि उनके घर के दामाद कौन है। बागेश्वर राम बाबा को ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में और कौन सी चीजें जरूरी हैं, उनको ये देखना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई भी इंसान का पेट नहीं भर जाएगा, किसी को रोजगार नहीं मिल जाएगा, किसी का एजुकेशन नहीं ठीक हो जाएगा, वो तो बाबा बनते फिर रहे हैं, तो उनको तो पर्चियां निकाल निकाल के ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे ठीक हो सकता है। हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले इसको एक अच्छा हिंदुस्तान तो बनाइए बाबा जी, हिंदू राष्ट्र की बातें बाद में करेंगे। कह रहे महंगाई सह लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाकर छोड़ेंगे। आप तो महंगाई सह लेंगे भाई, आपका इतना बड़ा दरबार लगता है, जाने कितना आपको तो चढ़ावा चढ़ता है, तो आपके लिए महंगाई का क्या फर्क पड़ेगा? महंगाई तो हम और आप जैसे लोगों के लिए पड़ेगी ना, तो बाबा जी हम तो नहीं सह पाएंगे, आप सह लेंगे क्योंकि आपके पास है बहुत कुछ सहने के लिए। महंगाई देश में है क्या? क्यों आपको नहीं दिख रही महंगाई देश में? आप चंगा से सब चंगा है, आप लोगों की जो इनकम रहती थी पहले, आज उस इनकम में आप घर अपना चला लेते हैं, ठीक है? देश को 80 करोड़ तो ये यही तो सबसे बड़ी बात है कि आपको समझना चाहिए, बड़ी शर्म की बात है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। आज हमारे देश के 80 करोड़ लोग बेरोजगार बैठे हैं जो आज इनके राशन पे पल रहे हैं। अरे हमारे देश के लोगों को रोजगार की जरूरत थी, रोजगार मिलता तो हमारे देश का खुद जो हिंदुस्तानी इंसान है वो खुद 80 करोड़ के पता नहीं कितने लोगों को राशन की पूर्ति करा देता, अगर आप हिंदुस्तान में रोजगार और महंगाई और इन सब चीजों पर ध्यान देते। अब बाबा जी को ऐसे बता रहे, लोग उन्हें चमत्कारी बता रहे हैं। अरे तो बाबा जी का चमत्कार ये 2000 की नोट पर क्यों नहीं पर्ची निकली कि बंद होने वाला है? कुछ चमत्कार कर देते शायद व्यापारियों का भला हो जाता। ये मैं अपमान नहीं कर रही हूँ, देखिए कोई अपमान नहीं है, और मैं सिर्फ यकीन करती हूँ ऊपर वाले पे, और अगर बाबा जी में इतना ही चमत्कार है तो अपने देश की बेरोजगारी और अपने देश के जो लोग परेशान हैं, एक संत का, चमत्कारी का, नेता का, लीडर का और इन सब लोगों का क्या फर्ज होता है? अपने देश के हालात ठीक करना। आज बाबा जी को अपने देश के लोग, अगर उनके अंदर इतना पावर है तो अपने देश के हालात ठीक करें, ना कि ऐसे फॉल्स चीजें कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, जब हम आपस में कोई फर्क नहीं करना चाहते हैं तो आप क्यों लोगों के दिमाग में जा डाल रहे हैं कि आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है? भाई हम सब मिलके भी तो रह सकते हैं। देखिए एक मिक्स दाल बनती है तो वो अकेले एक दाल से नहीं बनती है, उसमें बहुत सारी दालें पड़ती है तब वो मिक्स दाल बनती है और स्वाद भी आता है। वैसे ही हिंदुस्तान है, हम सब एक है, हम सबसे हिंदुस्तान है, हम सबसे विकास है, हिंदुस्तान ही हमारी पहचान है। और सबसे बड़ी बात, अगर हमारे अंदर एकता है तो कोई भी देश हमसे ऊपर नहीं जा सकता। अपनी एकता को मजबूत करिए और ऐसे मुझे लगता है बाबा जी की लोग जब सुनते हैं तो ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा पॉजिटिव बातें करनी चाहिए जो जनता को समझ में आए कि हाँ ये चीज अच्छी है और इससे हमारा भविष्य सिक्योर होगा। और आप जो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, तो आप ये बताइए, आपकी बहन की बहन ने भी शायद मुस्लिम से शादी करी हुई है, तो जब आप अपने घर में कराए तो वो अच्छा, और कोई बाहर करे तो वो लव जिहाद, ये बहुत सही है, ये सब नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान सबका है और हम सबको मिलके रहना चाहिए, यही सबको स्टेटमेंट भी देना चाहिए, चाहे वो बाबा हो या कोई बड़ा लीडर हो या मैं और आप क्यों ना हो। सनातनियों का है घर वापसी होगी सबकी एक तरफ से। देखिए जबरदस्ती तो कोई किसी से नहीं कर सकता, चाहे वो आप हो या हम हो, जिसकी खुशी है जो चीज है अपनाएगा इंसान। आप जबरदस्ती लोगों से मत करिए, लोगों के पास अपना खुद का दिमाग है वो भी चलने दीजिए। आप अपना चला रहे हैं, लोगों को भी चलाने दीजिए अपना दिमाग। भाई मेरा दिमाग तो आजकल इसी में चलता है किस तरीके से भारत में रोजगार बढ़े, बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो, एजुकेशन लेवल बढ़े, हेल्थ सिस्टम अच्छा हो, जो कोरोना काल में हुआ वो सारी चीजें कभी ना हो हमारे देश में, हम सिक्योर हो, हिंदू मुस्लिम हम सब लोग एक हैं, आगे बढ़े। ये सारी चीजें करने से देखिए हमारा और आपका पेट नहीं भरने वाला है। हम अगर ये डिस्कशन करते रहेंगे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम ये राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आई एम सॉरी गाइज, हमारा पेट नहीं भरेंगी ये सब बातें। हमारा पेट भरेगा एक अच्छी नौकरी,
एक अच्छा रोजगार, हमारे देश की महंगाई कम हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, इन सब मुद्दों पे बात करनी चाहिए। लोग बात कह रहे हैं कि इतने इस्लामिक राष्ट्र एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दिक्कत है। देखिए, जो चीज पहले से है वो पहले से है, आप आके बाद में बदलाव कर रहे हैं तो ये भी तो गलत है ना। अगर आपको यही है तो फिर फाइट करते रहिए इस चीज पे। लेकिन देखिए, हिंदुस्तान की एकता ही है, सब साथ में है, सब एक है, आप उसको नहीं भंग कर सकते चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसे मतलब जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ये एक अपराध मानते कि नहीं मानते आप? मैं देखिए, किसी की भी मांग को कोई भी अपराध नहीं मानती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर। लेकिन मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो हमारे देश की जो एकता है शुरू से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, आप उसको मत छेड़िए, उसको मत खराब करिए। संवैधानिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, तो वैसे में हिंदू राष्ट्र की मांग कहाँ तक उचित है? आप वही देखिए ना, संविधान के ही खिलाफ है ना। जब हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा था तो आप, मुझे लगता है एक बार सबको संविधान भी पढ़ लेना चाहिए कि उसमें क्या लिखा था। उनकी जयंती पे सिर्फ विश करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, मुझे लगता है उस दिन हम सबको एक बार संविधान फिर से पढ़ लेना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। उसमें संविधान को भी बदलना चाहिए, थोड़ा सा उसमें बदलाव करने चाहिए। बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जो संविधान है वही सही है, उसी को हम फॉलो करते आए हैं और उसी को आगे फॉलो करेंगे। आप हर चीज के साथ छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि ये जनता भी नहीं बर्दाश्त करेगी और ये सही भी नहीं। मांग अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? देखिए, अब वो मांग कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए ये मांग नहीं होनी चाहिए, बेफजूली मांग होनी चाहिए। देखिए, मांग होनी चाहिए सही चीजों की। आप बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को बदले तो ये तो सही नहीं है ना। बाबा साहब ने बहुत कुछ सोच के संविधान लिखा है, आप ये देखिए, उन्होंने अगर लिखा था तो आज उसी संविधान को लेके लोग शपथ लेते हैं। तो अब आप जब इस चीज में आगे आ चुके हैं तो अब आप क्यों पीछे जाना चाहते हैं? कह रहे हैं कि राम राज आ रहा, आप उनसे पूछ नहीं है कि क्या राम राज आ रहा है? देखिए, ये सबकी, देखिए रिलीजन अपना अपना मान और सम्मान है, सबकी आस्था है, आस्थाओं को राजनीति में नहीं खींचना चाहिए और ना मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ। देखिए, जब नोटबंदी बंद हुई थी तब बहुत सारे वादे किए गए थे कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन वापस आएगा और 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, आतंकवाद खत्म होगा, बहुत सी चीजें ऐसी, बहुत से वादे हमने भी सुने होंगे, आपने भी सुने थे। अब वही 2000 का नोट बंद हो रहा है, उसमें एक चिप लगी हुई थी, एक मैडम बोलती थी चिप है, चिप है, चिप है, नैनो चिप है, पता लगेगा। तो वो एकदम से कहाँ चली गई वो चिप? वो मैम आके अब पूछे ना कि वो चिप कहाँ चली गई, क्यों फिस हो गई, क्या चिप में पानी वानी चला गया, क्या हो गया, और वो कैसी है? मास्टर स्ट्रोक जो होते हैं ना, वो देश के अच्छे के लिए होते हैं, ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। इससे बहुत से लोग परेशान होंगे जो नोटबंदी के टाइम पे भी हो चुके हैं और अब फिर से वही होगा। और सबसे बड़ी बात, जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं तो विपक्ष को कमजोर करने के लिए सब चीजें करी जाती है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उसका मास्टर स्ट्रोक। काला धन वापस लाने की एक प्रक्रिया है सर, पहले भी काला धन वापस नहीं आया था क्या? आपने कभी देखा, आपने किसी की रिपोर्टिंग करी कि आपको काला धन वापस मिला? कोई काला धन मास्टर स्ट्रोक है अब शायद कहीं से। देखिए, पहले भी नहीं होंगे ना। देखिए, पहले भी बहुत सारे वादे सुने हमने जो सारे फिस के फिस हो गए, अब फिर से सुन रहे हैं, देखते हैं कितने होते हैं। 2024 को कैसे देख रही हैं आप? अभी कर्नाटक में हार हुई है भाजपा की कांग्रेस। 2024 में देखिए, जिस तरीके से कर्नाटक की जनता जागरूक हुई, कर्नाटक की जनता को समझ में आ गया कि हिंदू मुसलमान से हमारा पेट नहीं भरने वाला भाई, हमारा पेट भरने वाला है अच्छी नौकरी, अच्छी पढ़ाई, अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ सिस्टम और सुकून की लाइफ से। धीरे 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 हर जगह कांग्रेस आएगी, क्योंकि कांग्रेस जो है ना, देश को जोड़ने का काम करती है और नौकरियों पर ध्यान देती है और लोगों के चीजों पर ध्यान देती है। वो ये नहीं करती कि वो हिंदू वो मुसलमान, ये चीज कांग्रेस ने नहीं करी, इसीलिए आज कांग्रेस कर्नाटक में। अमित शाह ने कहा था कांग्रेस की सरकार आएगी तो दंगे होंगे कर्नाटक में। अच्छा, तो कहीं आपको दिखे? अभी तो आज शपथ लिया है, उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा। और ऐसे मुझे लगता है इस तरीके के स्टेटमेंट बोलने भी नहीं चाहिए कि लोगों के कानों तक जाएं। आप बहुत एक रिस्पेक्टेड पोस्ट पर हैं तो मुझे लगता है अपने हर पद की गरिमा को समझना चाहिए, ऐसी चीजें बोलनी नहीं चाहिए जो लोगों के कानों में जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कर्नाटक में जो सरकार बनी है ईवीएम पर विश्वास बना रहा है, इसलिए उन्होंने 2-4 राज्यों को जिताने के लिए प्रोग्राम मोदी जी ने बना रखा हो? बिल्कुल ऐसा नहीं है, कांग्रेस अपनी मेहनत से आई है और सबसे बड़ी बात, जनता ने कांग्रेस को वापस अपने लिए चुना है, क्योंकि जनता ने 2014 के बाद सारी चीजें देख ली हैं, कर्नाटक की जनता ने भी देख ली, अब आने वाले हर जगह की जनता देखेगी। ये लोग बोलते हैं कि 24 में
क्या 24 में तैयारी रहेगी? बिल्कुल अच्छी तैयारी रहेगी, जब जनता हमारे साथ है तो तैयारी आपको पता ही है। और जिस तरीके से जिस तरीके से आज हमको धन्यवाद मिल रहे हैं 24 में भी मिलेंगे। और आप सब आइएगा, नहीं बिल्कुल नहीं बोला हम, कांग्रेस ने कभी ये नहीं बोला है। आपने कब सुन लिया कांग्रेस ने बोला? विपक्ष जो है सभी तरह के धरने को हाईजैक कर लेती है, ये आरोप लगाते हैं कि जितना भी धरना आंदोलन देश में होता है विपक्ष उसमें कूद जाती है और उनका साथ देने लगती है। देखिए आज आज जिस तरीके से ये बच्चियां बैठी हैं, जो हमारी देश की बेटियां बैठी हैं, अब इनके लिए तो इंसान एक इंसान ही सपोर्ट करता है। आप उस चीज को राजनीति मुद्दा क्यों बना देते हैं? आप ये भी तो देखिए, हमारी देश की बेटी है, आप बहुत वादे करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज ये बेटियां अगर बैठी हैं और अगर इनके लिए विपक्ष खड़ा हो रहा है तो क्या बुराई है भाई? कोई ना कोई तो आपके लिए खड़ा होता ही है, तो आज कांग्रेस भी खड़ी और पूरा देश इनके साथ खड़ा है। बोले हवा दे रहे हैं ये लोग। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपके बोलने से या उनके बोलने से कुछ नहीं होता। और ऐसे तो बहुत मुद्दों पे आप भी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जो चीज सही है वो सही रहेगी, आपको गलत नहीं ठहरा सकते।